नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का यूनिक होम डिज़ाइन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 27x50 फीट का वास्तु के अनुसार बना हुआ दक्षिण मुखी घर का नक्शा लेकर आया हूं और यह उम्मीद करता हूं कि यह जो नक्शा है आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। दोस्तों, इसको बनाने के लिए मुझे आप लोगों के द्वारा ही यूट्यूब पर कमेंट्स मिला है, तो उनके आधार पर यह नक्शा मैं तैयार किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जिसने यह कमेंट्स किया है उनको पसंद आएगा और आप लोग भी इस नक्शे को ज़रूर पसंद करेंगे। दोस्तों, मैं एक ही बात आप लोगों से बार बार बताता रहता हूँ कि जब आप लोग कमेंट्स करते हैं तो कुछ दिन वेट करिए, क्योंकि जब आप कमेंट्स करते हैं और जो प्लान मैं आपको बना के देता हूँ वह एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको कोई चार्जेस नहीं देने होते हैं, तो इसलिए थोड़ा आप लोग इंतज़ार करिए। जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं प्लान बना के अपलोड कर देता हूँ, और यदि आपके कमेंट से 1 या 2 फिट मिलता जुलता प्लान रहता है तो मैं आपको उसका लिंक अवेलेबल करा देता हूँ और उसमें जो सजेशन होता है वह मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे, और जो लोग प्लान को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वह लोग मेरे वेबसाइट पर विजिट करें। वेबसाइट का नाम है unique home design.com, जैसा कि आप लोग डिस्प्ले में देख रहे हैं, और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। हो सके तो दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे कि यह सभी ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सके और सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड्स, चलिए इस प्लान को अब हम लोग ब्रीफ में देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग इस प्लान को देख पा रहे हैं, इसका जो चौड़ाई है वह है 27 फीट और लंबाई है 50 फीट, और यहाँ पे फ्रंट में रोड जाएगा, और ये देखिए इतना रैम्प है, और यह जो पोर्शन है यहाँ पर आपका स्टील गेट लग जाएगा, और हम एंट्री करेंगे पार्किंग आवले स्टेयर एरिया में। यह जो स्टेयर केस आप लोग देख रहे हैं इसको पार्किंग में ही बनाया गया है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 13 फिट 1 इंच है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 17 फिट 4 इंच है, तो सफिशियंट साइज है कि आप कार पार्क करके साइड से जा सकते हैं, और यहाँ पे आपका सीढ़ी भी बड़े आराम से बन जाएगा। तो ये जो सीढ़ी बनाया गया यह साउथ ईस्ट में बनाया गया है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साउथ ईस्ट में सीढ़ी बनाया जा सकता है, और इसको वास्तु के अनुसार डिजाइन किया गया है। वास्तुशास्त्र में कहा गया है जब हम लोग सीढ़ी बनाते हैं तो उसका घुमाव दाहिने हाथ की तरफ होना चाहिए, मतलब क्लॉक वाइज होना चाहिए। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं इसका घुमाव दाहिने हाथ की तरफ ही है। और एक बात आप लोग ध्यान रखें कि जब भी आप अपना सीढ़ी का निर्माण करवाएं तो उसमें जो यह स्टेप्स है, ये देखिए, यह जो है 17, 19 या 21 ऐसे ही संख्या में होना चाहिए, ऐसा वास्तु में कहा गया है। और फ्रेंड्स, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अपना मुख्य दरवाज़ा लगेगा, और हम आएंगे डाइनिंग आवले लिविंग एरिया में। जो डाइनिंग आवले लिविंग एरिया है इसका साइज़ है 14 फिट 9 इंच बाई 12 फिट का, यह एक मीडियम साइज़ का है, और दोनों एक साथ कॉमन दिया गया है, क्योंकि जिसने कमेंट्स किया था उन्होंने बोला था कि उनको 3 BHK चाहिए, 3 बेडरूम चाहिए, इसलिए डाइनिंग और लिविंग एक में अटैच कर दिया गया है। तो यहाँ से यहाँ पे देखिए फर्नीचर का लेआउट किया गया है, यह सोफा है और यह डाइनिंग टेबल चेयर का लेआउट है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि यह जो है मास्टर बेडरूम बनाया गया है, और इसका साइज़ है 12x13 फिट का, तो सफिशियंट साइज़ है। और यहाँ पे देखिए खूबसूरत बेड का लेआउट किया गया है, तो एक लाइक तो बनता ही है, तो तुरंत एक लाइक ज़रूर करें। और इसके साथ देखिए एक अटैच टॉयलेट दिया गया है 8x4 फिट का, तो सफिशियंट साइज है यह टॉयलेट के लिए। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे साउथ ईस्ट में ही किचन दिया गया है, जो कि अपने उत्तम स्थान पर है, और इसका साइज 6x12 फिट है। और यह जो पोर्शन आप देख रहे हैं यह है किचन प्लेटफॉर्म, और यह है गैस चूल्हा। तो वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि जब हम भोजन बनाते हैं तो अपना फेस पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए, तो उसको ध्यान में रखते हुए यह जो चूल्हा है यह पूर्व दिशा में रखा गया है।
और यहाँ पे देखिए यह इतना पोर्शन ओटीएस रहेगा वेंटिलेशन के लिए, और यहाँ पे एक और कॉमन टॉयलेट दिया गया है जिसका साइज है 4x8 फीट का। और फ्रेंड्स यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो देखिए यह एक जो है नॉर्थ वेस्ट में एक बेडरूम दिया गया है। तो यह जो एरिया होता है इसमें बना हुआ बेडरूम जो है बच्चों के लिए अच्छा होता है, तो यह बेडरूम बच्चों के लिए अच्छा होता है। और इसके साथ भी एक अटैच टॉयलेट दिया गया है 7x4 फीट का। और यह जो पोर्शन आप देख रहे हैं यह ओटीएस है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए जो है नॉर्थ ईस्ट में एक पूजा रूम बनाया गया है। पूजा रूम का साइज़ है 6x5 फीट। आप चाहें तो अपने सुविधा के अनुसार इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। और यह पोर्शन देखिए इतना लॉफ्ट रहेगा, मतलब 7 फीट पे इसका छत लग जाएगा। और यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो एक और बेडरूम दिया गया है, तो इसमें भी एक खूबसूरत बेड का लेआउट किया गया है। तो एक लाइक तो बनता ही है, तो फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर करें। और ये जो बेडरूम है इसका साइज है 13x13 फिट, तो बहुत बड़ा बेडरूम है, इसको आप छोटा नहीं बोल सकते हैं। और ये जो पोर्शन देख रहे हैं यह इतना ओटीएस है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यह जो प्लॉट है यह तीनों तरफ से पैक है और इसमें वेंटिलेशन का बहुत सारा प्रॉब्लम आने वाला है। इसके लिए ही इस प्लॉट में 1, 2, 3 यह 3 ओटीएस दिया गया है। तो इससे क्या होगा कि घर में थोड़ा लाइट आएगा और जो प्लम्बिंग का काम होता है टॉयलेट में, तो वह पाइप वगैरह जो है फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए भी यह डक्ट या ओटीएस आपको छोड़ना पड़ता है। किचन का पाइप होता है या टॉयलेट का पाइप होता है, वह फर्स्ट फ्लोर जब आप बनवाएंगे तो कहाँ से देंगे, इसके लिए यह जो है ग्राउंड फ्लोर में ही प्लान किया जाता है। तो फ्रेंड्स यह प्लान आप लोगों ने देख लिया। चलिए अब इसका वेंटिलेशन के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं मास्टर बेडरूम के लिए यहाँ जो है स्टेयरकेस से विंडो लगाया गया है, और टॉयलेट के लिए यहाँ से एक वेंट लग जाएगा, और आप चाहें तो यहाँ से भी लगा सकते हैं। और डाइनिंग के लिए यहाँ पे लग जाएगा, किचन के लिए यहाँ पे विंडो लग जाएगा। पूजा रूम में आप चाहें तो पीछे से वेंटिलेशन के लिए विंडो लगा सकते हैं। और इस बेडरूम में जो डोर के ऊपर आएगा वेंटिलेशन के लिए। और यहाँ पे देखिए ओटीएस है 4x4 का 4, तो यहाँ पे भी आप विंडो बड़े आराम से 4 फिट का लगा सकते हैं। और यहाँ पर एक विंडो लग जाएगा तो इसमें वेंटिलेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा, और एक विंडो आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो मैं यह नहीं बोलता कि इसमें बहुत सारा वेंटिलेशन है, फिर भी पर्याप्त वेंटिलेशन का जो है एडजस्टमेंट किया गया है। और फ्रेंड्स ये देखिए D1, D2 और D3, इसमें 3 तरह के दरवाजे दिए गए हैं। तो जो D1 का साइज है वह है 3 फिट 6 इंच, D1 का साइज 3 फिट 6 इंच बाई 7 फिट का रहेगा, D2 का साइज रहेगा 3 बाई 7 फिट का, D3 वह 2.5x7 फिट का रहेगा। और ये जो आप विंडो देख रहे हैं यह 4x4 का रहेगा, और यह 3x4 का, W2 भी 3x4 का रहेगा, W2 भी 3x4 का रहेगा। और यहाँ पे देखिए 4 फिट का बड़े आराम से आपको आ जाएगा। यह W3 जो है इसको आपको 2.5 फिट का देना पड़ेगा, और यहाँ पे एक वेंटिलेशन लगेगा, यहाँ पे एक वेंटिलेशन लगेगा, और यहाँ पे एक वेंटिलेशन आप लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यदि आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आप लोगों को पता है कि मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि यह प्लान आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों का कुछ कमेंट्स है तो कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। यह प्लान आपको कैसा लगा कमेंट्स करना ना भूलें। और फ्रेंड्स जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए यार, क्या जाता है आपका यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियो तो आप देख ही रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फ्रेंड्स आप चाहें तो मेरे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आप लोगों के सामने भी डिस्प्ले हो रहा है। तो फ्रेंड्स इस प्लान को देखने के लिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।